से ज्यादा लड़कियों से रेप की कहानी पर आधारित फिल्म अजमेर 92 पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई मुस्लिम संगठन फिल्म को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी का कहना है कि ये फिल्म लोगों को भ्रमित और समाज में फूट डालने वाली। उनका कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी फिल्म डायरेक्टर को ख्वाजा की दरगाह के अपमान की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जमीयत उलेमाए हिंद ने फिल्म अजमेर 92 को बैन करने की मांग की। कहा है कि इस तरह की फिल्मों के जरिए एक विशेष मजहब को टारगेट करने की साजिश हो रही। द केरला स्टोरी के बाद अब अजमेर 92 को लेकर एक नया विवाद। 250 लड़कियों से रेप पर बनी यह फिल्म अजमेर 92। फिल्म की रिलीज से पहले ही बयानबाजी और विवाद शुरू हो गया है। एक फिल्म को लेकर एक नई मजहबी जंग देखने को मिल रही है। बरेलवी का कहना है कि फिल्म से एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। तो द केरल स्टोरी के बाद एक और फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। अजमेर 92 नाम की यह फिल्म जिसे लेकर बैन की मांग हो रही है। फिल्म अजमेर 92 में 250 से ज्यादा लड़कियों के रेप की वारदात की कहानी कही गई है। कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी के बाद निर्देशक अभिषेक दुघैया की फिल्म अजमेर 92 पर विवाद शुरू हो गया है। फिल्म की रिलीज से पहले ही कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर बैन लगाने की मांग की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन बरेलवी ने अजमेर 92 को समाज को बांटने वाली फिल्म बताते हुए इस पर बैन लगाने की मांग की है। इस तरह की फिल्में से देश में एक अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों की सोच और ऐसी लोगों की विचारधारा जो ताकत रखते हैं या व्यक्तियां हैं, इनके खिलाफ कानूनी चारा जोई होना चाहिए। शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता की बेहतरीन मिसाल है जो लोगों के दिलों पर सदियों से राज कर रहे हैं। दरगाह अजमेर शरीफ से हमेशा अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है और टूटे दिलों को जोड़ने का काम होता है। दो ताकतें ऐसी हैं जो बराबर अपने बयानों के जरिए, सभाओं के जरिए देश को तोड़ने के लिए और नफरत फैलाने के लिए काम कर रही हैं। भाईचारे को खत्म कर रही हैं, नफरत फैला रही हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को चाहिए कानूनी कार्रवाई करे। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव नियाज अहमद फारूकी ने भी फिल्म अजमेर 92 को बैन करने की मांग की है और उन्होंने कहा कि इस तरह की फिल्मों के जरिए एक विशेष मजहब को टारगेट करके आपसी भाईचारे को खत्म किया जाता है। अजमेर शरीफ की दरगाह मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती है कि ये एक ऐसी दरगाह है कि जिसमें हिंदू मुसलमान हर मजहब के लोग सब लोग हैं और इसको जब आप अटैक करते हैं तो आप सारी कम्युनिटीज के बीच में नफरत फैला रहे हैं, मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कि हमारे नेशनल इंटीग्रेशन और आपसी प्यार मोहब्बत और भाईचारे को रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से एक ख्वाजा साहब का नाम है, फिर इसी तरीके से हमारे गुरु नानक जी का नाम है, इसी तरीके से हमारे कबीरदास जी का नाम आता है। ये लोग जो हैं हमेशा से फिल्मों के अंदर भी इन लोगों को एक नेशनल आपस में हम ये एक तरह के पूरे हिंदुस्तान का एक जरिया बताया गया, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो अटैक है वो खाली इस्लाम पे नहीं है, मुसलमान पे नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया के जो सिंबल है आपसी भाईचारा है, आपसी भाईचारा है, उसके ऊपर अटैक किया गया। दरअसल द केरला स्टोरी के बाद से ही इस तरह की फिल्मों के बहाने सियासत होने लगी है। इन फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया गया है जो कहीं ना कहीं समाज की सच्चाई को बयां करती है। फिल्म अजमेर 92 में साल 1992 में 250 से ज्यादा लड़कियों के साथ हुए रेप की कहानी बताई गई है जो सिनेमाघरों में 14 जुलाई को रिलीज होने वाली है। सोशल मीडिया के जमाने में लोग तेजी से अपनी राय बयां करते हैं। जाहिर है फिल्म में जो भी बात कही गई हो, लेकिन सेंसर बोर्ड के पास की गई फिल्म पर बैन की मांग करना कितना उचित है, ये बहस का विषय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र में औरंगजेब पर आर पार की।
दरगाह की रैली में औरंगजेब क्यों? औरंगजेब के साथ डांस पर संग्राम। औरंगजेबाचे फोटो जर कोणी झळकवत असेल तर हे इथे मान्य केलं जाणार नाही। या देशामध्ये आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये उर्स में औरंगजेब का क्या काम? महाराष्ट्र में औरंगजेब पर आरपार। कोणी औरंगजेबाचं नाव घेत असेल तर त्याला त्या ठिकाणी माफी नाही। महाराष्ट्र के अहमदनगर से खबर यह है कि औरंगजेब के पोस्टर को लेकर यहां पर विवाद हो गया। दो आरोपी पुलिस हिरासत में ले लिए गए हैं। औरंगजेब के पोस्टर लहरा रहे थे आरोपी। प्रिंटिंग प्रेस की भी जांच की जाएगी। ब्लैक ग्रुप की भी इसमें पड़ताल की जाएगी। देखिए औरंगजेब की तस्वीर के साथ कुछ युवक डांस करते हुए नजर आए थे। इसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से चेतावनी भी दी गई थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उर्स में औरंगजेब की तस्वीर को लेकर यह विवाद महाराष्ट्र के अहमदनगर में। औरंगजेब की फोटो के साथ कुछ लोग डांस करते हुए नाचते हुए नजर आते हैं। इसे लेकर जानकारी यह है कि दो आरोपी पुलिस हिरासत में ले लिए गए हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब की तस्वीर को लेकर यह विवाद। अहमदनगर में औरंगजेब की तस्वीर के साथ डांस करते कुछ लोग नजर आते हैं। उर्स की रैली में औरंगजेब की फोटो के साथ डांस करते ये लोग नजर आए। 4 जून की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो आप देख रहे हैं। इसके बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इन्हें चेतावनी दी गई। कहा गया कि औरंगजेब की तस्वीर लहराना स्वीकार नहीं किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब का नाम लेने पर माफी नहीं है। दरगाह की रैली में डांस की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की है, जहां उर्स के जुलूस में कुछ युवकों ने औरंगजेब की फोटो के साथ जमकर डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक औरंगजेब की फोटो लिए नजर आ रहा है, जिसे कुछ लोगों ने अपने कंधों पर बैठाया हुआ है। सब अपनी मस्ती में धुन है, कोई शोर मचा रहा है, कोई हाथ हिला रहा है। लोगों ने युवकों को अपने कंधों पर बिठा रखा है। युवक भी फोटो हाथ में लेकर डांस कर रहा है। बताया जा रहा है कि 4 जून को मुकुंद नगर इलाके में दंबारा हजारी दरगाह का उर्स था और उर्स के मौके पर डीजे की रैली निकाली गई थी, जिसमें कुछ युवक औरंगजेब की फोटो के साथ डांस करते नजर आए थे। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की फोटो के साथ जुलूस पर कड़ी आपत्ति जताई है। औरंगजेबाचे फोटो जर कोणी झळकवत असेल तर हे इथे मान्य केलं जाणार नाही। या देशामध्ये आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये आमचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजच असू शकतात। कोणी औरंगजेबाचं नाव घेत असेल तर त्याला त्या ठिकाणी माफी नाही। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा ही एक वाकया AIMIM के छत्रपति संभाजी नगर में प्रदर्शन के दौरान हुआ था, जिससे माहौल बिगड़ गया था। इसके बाद भी अहमदनगर में इस तरह की कोशिश की गई। हाल ही में महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद नाम बदलकर धाराशिव किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि अब अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।